रानिया, सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? क्यों, क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? नहीं नहीं वो बात नहीं है, जस्ट थॉट। एनीवे तो मुझे बताओ, अलीजा क्या है? मैं काफी देर से उसे कॉल कर, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। हाँ वो एग्जाम देने गई है, कुछ देर तक आ जाएगी। काफी दिन हो गए हैं, ना तो वो मुझसे बात करती है ना मेरी कॉल रिसीव करती है। रानिया प्लीज तुम ही उससे कहो ना कि तबरेज़ तुम उससे खुद मिल लो ना, मिलकर उससे बात कर लो। मैं तुम्हें लोकेशन बता देती हूँ, वो भी बाहर ही है। घर पर बात करना तो वाकई बहुत मुश्किल है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, बस दुआ करो कि वो मेरी बात समझ जाए। तबरेज़ एक बात पूछूं, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? तुमने कहा था ना कि जल्दी बंदोबस्त कर दोगे। क्यों, कोई इशू तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को परेशानी हो रही है, और ऊपर से आलिया आंटी की मौत का बोझ। तबरेज़ कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब लगता है उन सब का सामना करना। इस सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक? हो सकता है मेरा ही ताल्लुक हो। इन लोगों को लगता है कि आलिया आंटी की मौत के पीछे ताया बू का हाथ है। अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ तबरेज। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो लोग चीजों के लिए नहीं, बस मुझे और अलीजे को अपने साथ ले जाना चाहते थे।